तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो मैं हूं इस वक्त कानपुर से इलाहाबाद जाने वाले हाईवे पर, और आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कानपुर एयरपोर्ट का कुछ अपडेट दूंगा फ्लाइट्स को लेकर। ओके, तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। कानपुर इलाहाबाद हाईवे है ये, अलौलापुर ये गाँव लगता है। सामने इसका इंडिकेटर लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर अलौलापुर लिखा हुआ है, येलो बोर्ड के पीछे छुपा हुआ है। ये देखिए अलौलापुर, ठीक है। यहाँ से टोल रोड समाप्त होती है, सीधे चले जाएंगे आप प्रयागराज की ओर। ओके, तो मैं खड़ा हूँ एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर अंदर है एयरपोर्ट, तो हम चलते हैं, आपको वो दिखाते हैं। और जो नई फ़्लाइट्स यहाँ से चलने वाली थी, जैसे कि आकाशा एयर और एयर एशिया वगैरह, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भाई ये रोड देख लीजिए, एयरपोर्ट रोड है ये, सीधा आपको एयरपोर्ट टर्मिनल तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो और बहुत ही ज़बरदस्त ये रोड बनी हुई है, और काफ़ी सही तरीके से बनाया है, क्योंकि 1 साल हो गया है इसके इनॉग्रेशन को। इतना ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस रोड पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये इस समय दोनों साइड पर हमारे जो खेत देख रहे हैं आप, और ये खेत हैं अभी, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इनकी भी प्लॉटिंग हो जाए। और यहाँ पर कुछ जगह पर प्लॉटिंग हो भी रही है। ये देखिए भाई, यहाँ पर एयरपोर्ट रोड है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल होंगे, अगर यहाँ पर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए प्लॉटिंग भी हुई है, और कुछ एक मकान भी बने हुए हैं यहाँ पर। बार जो है रामा देवी होके आए हैं, जो मेन रास्ता एयरपोर्ट का है वो रामा देवी से होकर है इलाहाबाद हाईवे की तरफ से, ठीक है, मेन रास्ता है। और बारिश में अगर हम पीछे से आते, जैसे कि पेवंदी गांव पड़ता है उस तरफ से हमेशा आते हैं हम, तो वहां पर कुछ रास्ता कच्चा है, मिट्टी कच्ची मिट्टी का है, तो दलदल में बदल गया होगा, इस वक्त गीली मिट्टी है। ये देखें यहाँ पर हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के नए टर्मिनल, कानपुर सिविल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर हम आ चुके हैं। जो ये खुद का इनका है टर्मिनल तो इनका है, लेकिन रनवे आज भी है एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर ILS भी एयरफोर्स का है, और ILS सिस्टम अभी इनका नहीं है, जिस वजह से आकाशा एयरलाइंस यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। तो भाई जैसा कि मैं आपको बता दूँ, इसका इनॉग्रेशन जो है पिछले साल यानी 2023 के 26 मई में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ही कई खबरें आ रही थी कि इसके इनॉग्रेशन के साथ ही कुछ नई फ़्लाइट्स, जैसे कि दिल्ली मुंबई कोलकाता के लिए और बेंगलुरु वगैरह के लिए चालू की जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी जो फ़्लाइट जो पहले भी चल रही थी, दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की फ़्लाइट चल रही थी, और एक स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी जो कि मुंबई और कोलकाता के लिए जाती थी, तो स्पाइस जेट जो है वो काफ़ी पहले ही बंद हो चुकी। हैदराबाद के लिए इंडिगो फ़्लाइट चलती थी, वो भी बंद हो चुकी थी। तो मौजूदा हालात में अभी भी दिल्ली और मुंबई की फ़्लाइट चल रही थी, जो इंडिगो है, इंडिगो फ़्लाइट चल रही है यहाँ से अभी भी। लेकिन और जो इसके इनॉग्रेशन के बाद जो फ़्लाइट्स यहाँ पर आने वाली थी, जिनमें से एयर एशिया, एयर इंडिया और आकाशा एयर, जिसकी रिसेंटली अभी न्यूज़ आई थी आकाशा एयर की, आकाशा एयर के अधिकारी यहाँ पर आके रनवे वगैरह का सर्वे करके गए थे। जो है उन्होंने एतराज़ जताया था कि यहाँ पर इनका ILS सिस्टम नहीं है, जो कि एयरफोर्स का ILS सिस्टम है यहाँ से, और कोई दिलचस्पी ज़्यादा नहीं दिखाई, और कोई जवाब भी क्लियर उन्होंने नहीं दिया था कि फ़्लाइट कब से चालू करेंगे या नहीं चालू करनी है, जो भी कोई क्लियर जवाब आकाशा एयर की तरफ से नहीं मिला था। लेकिन अभी जो मौजूदा खबर आ रही है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, जो आकाशा एयर की जो फ़्लाइट है, तो मैं आपको बता रहा था आकाशा एयर की जो फ़्लाइट्स हैं इनके चलने के लिए अभी कोई भी समय सीमा तय नहीं है। वहाँ आकाशा एयर के अधिकारियों ने यहाँ पर रनवे का जो है एक निरीक्षण किया, और उसके बाद शायद ILS सिस्टम को लेकर उनको कुछ थोड़ा सा दिक्कत लगी, क्योंकि एयरफोर्स का यहाँ पर ILS है, और नाइट लैंडिंग सिस्टम अभी भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, क्योंकि नवभारत टाइम के अनुसार यहाँ पर ILS सिस्टम का जो है मौजूदा कुछ मौके पर, ठीक है, कुछ मौक़ों के हिसाब से ही नाइट लैंडिंग कराई जा सकती हैं, डेली कोई फ़्लाइट लैंडिंग यहां पर नहीं की जा सकती है, जिसके वजह से शायद आकाशा एयर को थोड़ा सा दिक्कत हुई है। फिलहाल एयरपोर्ट डायरेक्टर जो है उन्हीं ने कहा है कि आकाशा एयर को जब भी फ़्लाइट अपनी चलानी होगी चलाएँगे, यहाँ पर नाइट लैंडिंग जो है यहाँ पर कानपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग जो है वो कराई जा सकती है, एयरपोर्ट डायरेक्टर का यही कहना है, ठीक है। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि आकाशा एयरलाइंस ने पहले जब सर्वे किया था तो उसका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन अभी फिर से उसने दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि यहाँ का सर्वे करने के बाद उन्होंने प्रयागराज से फ़्लाइट चालू कर दी, इलाहाबाद से दिल्ली के लिए फ़्लाइट चालू कर दी आकाशा एयर की।
कानपुर की जो है पिछले अप्रैल में खबरें सुनने को मिल रही थी कि अकासा एयर जो है कुछ समय में ही अपनी फ़्लाइट चालू करने वाली है, लेकिन अपने समय से यानी अप्रैल में तो नहीं चालू किया है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अकासा एयर जल्द ही कानपुर, ये जो नया टर्मिनल है, यहाँ से अपनी फ़्लाइट्स को चालू कर सकती है दिल्ली और मुंबई के लिए। ठीक है, और इंडिगो ने भी बताया था कि हैदराबाद की और कोलकाता के लिए फ़्लाइट्स फिर से चालू की जाएंगी, लेकिन अभी भी दो ही फ़्लाइट्स यहाँ से चल रही हैं जो कि मुंबई और दिल्ली की हैं, तीसरी कोई भी फ़्लाइट यहाँ से नहीं है। ठीक है, ये रहा भाई कानपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल। अकासा एयर को लेके मुझे लगता है जो आपका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्लियर अपडेट नहीं है, कोई भी क्लियर टाइम नहीं है, अकासा एयर की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी इस तरह का नहीं किया गया है कि कोई एग्जैक्ट टाइम और डेट बताया गया हो कि इस टाइम से, इस दिन से चालू हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। अभी भी सर्वे चल ही रहा है, जब भी उनकी मर्ज़ी होगी यहाँ से फ़्लाइट चालू कर दी जाएगी। ठीक है, और अभी तो अभी भाई ये अकासा एयर की अपडेट है, एयर एशिया का भी ऐसा कोई रिस्पॉन्स अभी सुनने को नहीं मिला है। बाकी दो ही फ़्लाइट्स हो जाएंगी अगर अकासा एयर यहाँ से चालू हो जाती है, तो दो फ़्लाइट्स हो जाएंगी। अभी सिर्फ इंडिगो ही यहाँ पर काम कर रही है, इंडिगो के अलावा दूसरी कोई फ़्लाइट नहीं है। अकासा एयर आ जाएगी तो लोड थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सी जगह है जैसे बेंगलुरु कोलकाता वगैरह जाने के लिए लोगों को कानपुर से लखनऊ जाना पड़ता है, लखनऊ से फ़्लाइट लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ये अगर यहाँ से इस तरह की फ़्लाइट चालू होंगी जो कोलकाता बेंगलुरु चेन्नई की तरफ जाएंगे, तो हो सकता है लखनऊ एयरपोर्ट से थोड़ा सा लोड कम होगा, कानपुर के लोग जो है वो अपने खुद के एयरपोर्ट से सफ़र कर पाएंगे। तो भाई ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था अकासा एयर को लेकर और कानपुर एयरपोर्ट को लेकर। अंदर से जो गार्डन बनाया गया था वो उसकी घास अब थोड़ी थोड़ी हरी होने लग गई है क्योंकि बारिश का सीज़न आ गया है। और ये जो पेड़ लगाए गए थे साइड में, ये आप देख सकते हैं, कुछ जम गए हैं, कुछ गिर गए हैं तेज़ हवाओं के चक्कर में। ये देखिए हरियाली आने लग गई है यहाँ पर इन पेड़ों में। और ये देखिए थोड़ा सा ये जो ग्रीन एरिया ये बनाया गया साइड में, ये भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। मौसम अच्छा है तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इंडिगो की एक बस अंदर खड़ी हुई है। ठीक है, तो भाई इससे ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं है, और जो भी जानकारी मैंने आपको दी है अगर उसमें कुछ गलती लगती है तो भाई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको उसका सोर्स है नवभारत टाइम्स से मैंने ये न्यूज़ ली है जो आपको जानकारी दी है। ठीक है, तो चलिए भाई यहीं तक था ये वीडियो। और भाई एक और चीज़ें मैं आपको बता दूं, इसमें अभी भी कोई अभी भी कोई एरो ब्रिज नहीं देखने को मिला है। सीढ़ियों से ही उतरते हैं लोग और उसी से ही चढ़ रहे हैं, एरो ब्रिज अभी नहीं दिया गया है। और हो सकता है बढ़ते फ्लाइट के साथ एरो ब्रिज भी दे दिया जाए। भाई ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।